फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिट टूर के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए रिगार्डिंग दिस कि ऑडिट टीम का कंपोजिशन कैसे होता है, कौन लीड करता है, हमें कितने दिन बाहर रहना पड़ेगा, ये सब। तो जो लोकल ऑडिट पार्टी होती है LAP, उसमें जनरली 3 या 2 लोग होते हैं। 3 लोगों की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि एक सीनियर AO, एक डबल AO, एक ऑडिटर हो, एक सीनियर AO या 2 डबल AO हो। और अगर 2 लोगों की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि 2 डबल AO हों या कि एक सीनियर AO, एक डबल AO हो। तो ऐसा कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं होता है। एबिलिटी ऑफ स्टाफ के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि किस किस को एक टीम पार्टी में इंक्लूड किया जाए। और हम अगर बात करें कि लीड कौन करता है पार्टी को, तो ये भी इसमें ऐसा सच लीडिंग का कुछ नहीं होता है। बिकॉज हमारा काम मेनली ऑडिट करने का है एक यूनिट को, और उसमें हमें रेगुलरली फाइंड आउट करते हैं। तो जो ज़्यादा देख पा रहा है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, वो पैरा फाइंड आउट करता है, रिपोर्ट करता है, और फिर आगे भी उस अगर उसके बारे में कुछ रिप्लाई आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उससे उससे डिस्कस किया जाता है। अगर हम बात करें कि कितने दिन बाहर रहना पड़ता है, तो ऐसा होता है कि जैसे आपको एक ऑडिट टीम को 5 दिन का किसी यूनिट का ऑडिट दिया गया, तो आप 5 दिन वहाँ गए, काम किया, फिर उसके बाद आपको एक बार हेडक्वार्टर आके रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद आपको दूसरा टूर प्रोग्राम बना दिया जाता है, जिसमें आपको दूसरी यूनिट दी जाती है। तो आपको फिर से उस प्लेस पर दूसरा, अगर दूसरा प्लेस है तो आपको दूसरे प्लेस पर जाना पड़ेगा। इसमें ये होता है कि जनरली एक्चुअली ऑफिसेज अपने अच्छी जगह पर हैं, कैपिटल में है, या तो किसी स्टेट के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो सब जनरली कैपिटल में होते हैं। तो होता क्या है कि वो मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसेज अपने जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पे होते हैं। तो कई बार ऑडिट में हमें उसी प्लेस पे जाना होता है, वहाँ का ऑडिट करके हम अपने घर आ सकते हैं। उस टाइम में हमें हेडक्वार्टर अपना खुद के ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑडिट करने जाते हैं और वापस घर पे आ जाते हैं। और कई बार हमें बाहर भी जाना पड़ता है, दूसरी प्लेस पे जहाँ पे यूनिट है वहाँ पे ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोगों को ऑडिट पे जाना पसंद होता है, कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनको ऑडिट पे जाना पसंद नहीं होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे कि आपको क्या पसंद है। बट हाँ, ट्रैवलिंग रहता है, जाना आना रहता है, बट अकॉर्डिंगली आपको रहने का, आने जाने का खर्चा भी मिलता है, और थोड़ा टाइम में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अगर आप अपने हेडक्वार्टर ऑफिस ना जाके ऑडिट के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हेडक्वार्टर में तो बायोमेट्रिक होती है, टाइम टू टाइम आना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ऑडिट में आपको वैरायटी मिलती है काम करने की, थोड़ा टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये सब एडवांटेज देखे कुछ लोगों को अच्छा जाना अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को हेडक्वार्टर में ही काम करना अच्छा लगता है। तो ये सब ऑडिट के बारे में बात हुई। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। एक मैं वीडियो बनाऊंगी UPSC के बारे में, लोगों ने बहुत पूछा है कि अगर आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है तो WO में हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, कि हम कब अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ओके।